शस्त्र लाइसेंस धारियों के लिए सूचना 5 दिन के अंदर थाने में जमा करें। अपने शस्त्र लाइसेंस थाना प्रभारी बैराड़। देश में 16 मार्च से लोकसभा चुनाव को लेकर जारी हुई आदर्श आचार संहिता के बाद शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु शस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने व प्रचलित शस्त्र अनुज्ञप्तियों को निलंबित किया है। उक्त समस्त शस्त्र अनुज्ञप्ति आदेश जारी होने के 5 दिवस में अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी के पास जमा कराएं। जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग व उपयोग नहीं करेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ली गई लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही विभिन्न राजनैतिक दलों, संगठनों और निर्वाचन कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं व व्यक्तियों की निर्वाचन संबंधी गतिविधि प्रारंभ हो गई है। सर, ये आने वाले चुनाव के लिए बंदूक को जमा करने के लिए क्या कुछ निर्देश किया गया है? लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 की आदर्श आचार संहिता दिनांक 16 मार्च से लागू हो गई है और माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय शिवपुरी के द्वारा समस्त लाइसेंसधारियों के शस्त्र 5 दिवस के भीतर यानी 20 तारीख तक जमा करने हेतु आदेशित किया गया है। अगर कोई शस्त्र नियत दिनांक तक अगर थाने में जमा, संबंधित थाने में जमा नहीं करता है तो उसके लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। अतः मेरा समस्त क्षेत्रवासियों से विनम्र अनुरोध है कि अपने लाइसेंस शस्त्र दिनांक 20 मार्च 2024 से पूर्व थाना बैराड़ में जमा करने का कष्ट करें।